हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिमन्यु आई एस एंड इन द सीरीज ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे टुडे आई विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज एवरेज का क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ओके okay? तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन और क्यों इंपॉर्टेंट है यस दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस वॉज आस्ट इन यू पी एस सी सी ट्वेंटी ट्वेंटी वन ओके okay? तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम के अंदर या स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते है. Okay? तो देखते क्या है दो क्लासेज है हमारे पास में एक है क्लास ए और एक है क्लास बी जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हां जी क्या है स ए दाइस्ट स्कोर इज ट्वेंटी वन एंड लोवेस्ट स्कोर इज सेवेंटी अब अगर हम बात करते हैं स्कोर की तो वो भी साथ में गिवन है क्या है सेवनटीन टू ट्वेंटी वन का स्कोर है सेवनटीन टू ट्वेंटी वन का स्कोर यहां पे अवेलेबल है साथ में क्या कह करें इन क्लास बी स्कोर कितना है ट्वेंटी टू एंडस्ट स्कोर आगे क्या गिवन है? फ्रॉम क्लास ए टू बी अब फोर स्टूडेंट यहाँ से हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दी फोर स्टूडेंट शिफ्ट हो गए अब क्वेश्चन है कि बताओ एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा क्लास ए और बी की ओके okay? अब जब हम फोर स्टूडेंट्स को शिफ्ट कर रहे हैं फोर स्टूडेंट्स को जब हम यहां से शिफ्ट कर रहे हैं इन दैट केस जो एवरेज है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज होती क्या है यस yes. एवरेज आप कैसे फाइंड आउट करते हो टोटल टोटल अब यहां पे हमारे पास में स्कोर की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लियर तो अब देखो जब ए से चार स्टूडेंट्स को उधर शिफ्ट करेंगे तो उस केस के अंदर थोड़ा सा ध्यान से देखिए जब ए जो है ए के अंदर स्कोर कितना है स्टूडेंट्स का सेवनटीन से ट्वेंटी वन है देन वी डोंट नो कि हाँ सेवनटीन और ट्वेंटी वन के बीच में है कितना स्कोर पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का वी डोंट नो अबाउट दैट ओके तो जब यहां से हम यहाँ पे फोर स्टूडेंट्स को शिफ्ट करेंगे इन दैट केस पॉसिबिलिटी की जिन स्टूडेंट्स के कम मार्क्स है वो शिफ्ट हो रहे हैं या फिर जिनके ज्यादा है वो शिफ्ट हो रहे हैं दैट मीन्स वी कान डिटरमाइन की जो इसका जो एवरेज है दैट विल इंक्रीज और द एवरेज विल डिक्रीज वी कान डिटरमाइन ओके तो ये तो हो गया क्लास ए का रिकॉर्ड अब बात कर दे क्लास बी की जब क्लास बी के अंदर फोर स्टूडेंट्स यहां से जाएंगे इन दैट केस जो क्लास बी है एवरेज ऑफ क्लास बी विल बी मोर देन और ज्यादा ही रहेगा बट वेन द स्टूडेंट्स इन क्लास बी है अगर उनका स्कोर कम है इन दैट केस जो ओवरऑल एवरेज है वो क्या रहेगी ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी तो यहाँ से दो कंक्लूजन अपने पास निकल रहे हैं क्या कि जो एवरेज एवरेज ऑफ क्लास बी विल डिक्रीज एंड वी डोंट नो वाट विल बी द इफेक्ट ऑन क्लास इज एवरेज ओके सो अभी देखते हैं कि ऑप्शन क्या उप्षयन है ऑप्शन यहाँ पे के पास में दो स्टेटमेंट्स हैं द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज यस हेयर वी कैन सी दिस विल डिक्रीज ओके सो दिस इज करेक्ट द सेकेंड स्टेटमेंट इज वट द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज कह रहा जो ए है ए का स्कोर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो यहाँ पे कह रहे हैं इंक्रीज होगा डेफिनेटली बट वी आर सेंग वी डोंट नो इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है इफ़ द स्टूडेंट्स हु हैव लोअर स्कोर वर शिफ्टिड इन दैट केस द एवरेज विल इंक्रीज बट इफ द स्टूडेंट हु हैज हायर स्कोर विल बी शिफ्ट इन दैट केस द एवरेज विल डिक्रीज ओके सो दिस इज रॉन्ग तो अब यहां पे क्या कहेंगे विच ऑफ द अबाउट स्टेटमेंट इज करेक्ट ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट ओके तो एवरेज इंपॉर्टेंट है हर बार एग्जाम के अंदर आपका वन टू टू क्वेश्चन एवरेज पे से आ जाता है अगर आपके छोटे छुट छोटे पॉइंट्स क्लियर है इन दैट केस एवरेज का क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो ओके okay? अगर आप लोगों को एवरेज में कोई भी डाउट है इन दैट केस आप एवरेज सिर्फ ले सकते हो अभी मन नहीं लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज uh, हैं अभिमन्यु के कि जो uh, जो भी एस्पिरेंट्स कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं वो कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट कोर्स का लिंक अवेलेबल है दैट इज़ अ वेरी गुड कोर्स जिसके अंदर आपका बिल्कुल बेसिक से बेसिक से लेवल से स्टार्ट किया जाएगा और एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आपसे पास में आते हैं वो सभी कवर कराए जाएंगे ओके तो दैट इज़ द कम्प्लीट कोर्स दूसरा कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मुझे सिर्फ मैथ्स टफ लगता है लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश तो मैं कर लूंगा कर लूंगी ओके इंग्लिश तो मैं कर लूंगा मुझे प्रॉब्लम कहां पे आ रही है मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है हैं या फिर कहते हैं कि हाँ लॉजिकली मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं हूं मुझे तो लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है इन दैट केस यू कैन गो फॉर द मॉड्यूल कोर्सेज मीन्स यू कैन टेक क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन यू कैन टेक लॉजिकल रीजनिंग यू कैन टेक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ओके और जो तो थर्ड है थर्ड है माइक्रो कोर्सेज देर आर सम एस्पिरेंट्स वो से आ, कि आ, मेरा ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रिपेयर है सी सेट का बट पर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर सिस्टम हो गया एवरेज हो गया ठीक है नंबर सीरीज हो गया तो कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्यों ना मैं उन पर्टिकुलर पर्टिकुलर टॉपिक्स को कर लूँ ठीक है तो आप वैसे भी प्रिपेयर कर सकते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है कंप्लीट कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है यू कैन गो फॉर द माइक्रो कोर्सेज ओके सो डिस्क्रिप्शन के अंदर माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है यू कैन टेक माइक्रो कोर्सेज ओनली फिर भी अगर कोई भी क्यूरी है आपकी इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको ओके सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे अगर क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया इन दैट केस यू विल लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास class में क्लासेज